सभी मधुकरी से हमने माता वैष्णो देवी का सफ़र चालू किया है। जाना तो हमें बैटरी बस में था, पर किसी वजह से बैटरी बस कैंसिल हो गई है, तो हमें ऐसे पैदल सफ़र करना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर माता के दर्शन के लिए पैदल पैदल, या माता के नारा लगाते हुए। ये भाई नया ताराकोटे मार्ग बना है जो आप लोग देख रहे हैं, और ऊपर बादल घने होते जा रहे हैं, उम्मीद है बारिश हो जाएगी। रात में कुछ ऐसा मेरा जा रहा है यहाँ का, तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया 7 बजे का शाम का, और यहाँ से माता का भवन 5 किलोमीटर दूर है अभी, और कुछ इस तरह का नज़ारा नीचे का देखिए। भाई ये भोजनालय है, यहाँ पे आप खाने के लिए रुक सकते हो, वहाँ से खाइए और आगे बढ़िए माता के दर्शन के लिए। भाई जैसे जैसे माता भवन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मौसम इतना अच्छा होता जा रहा है, हवा में एकदम ठंडक, तो मज़ा आ रहा है एकदम। अभी चल रहे हैं, जैसे दोपहर का टेम्परेचर था उस हिसाब से इस टाइम बिल्कुल मौसम बिल्कुल अपोजिट हो गया इसके, हमें गर्मी बहुत थी और अभी बहुत बढ़िया मौसम हो गया है। काफ़ी देर चलने के बाद अब हम चाय पी रहे हैं और साथ में बिस्किट ऐड ही सी। चाय वाय पी के अभी भवन की तरफ बढ़ रहा हूँ, यहाँ से 2.5 किलोमीटर भी भवन है। चलिए मैं और जय माता दी। तो अभी माता का भवन यहाँ से 0.5 किलोमीटर रह गया है, अष्ट माता के दरबार में हम पहुँच ही गए हैं थोड़ा सा और। तो चलिए माता रानी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। तो भाई ये माता रानी का भवन सामने दिखाई दे रहा है, अभी इसको और आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। चल रहे हैं धीरे धीरे और थोड़ा सा रह गया। तो भाई अभी प्रसाद खरीद लिया है माता जी ने। माता रानी भवन
नाम मिल गई, नाम मिल गई। भाई ये है माता का भवन, आप लोगों को दिख रहा है, और बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए अभी। अभी दर्शन कर लिए भाई, और ये वीडियो मैं यही खत्म करूँगा। मिलता हूँ कल नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय, नमस्कार, जय माता दी।